अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान गाइस। पुरानिक मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है, तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है, और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है, सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। क्या आपको इसके पहले तक टेक्नोलॉजी का ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।